आउज़ुलाम शाह तरजीम बसमिल्लर रहीम तमाम सब्सक्राइबर्स और तमाम देखने वालों को विनर्स प्राइज़ बॉन्ड पर ख़ुश आमदीद दोस्तों आज हमने अपनी गेम को फ़ाइनल करना है और फ़ाइनल करने के लिए आ, पिछली वीडियोस को भी सामने रख लें और जो आज की नई वीडियो है इसको भी आप तो सामने रख लेना इसमें मैं आपको फ्रंट uh, की पहले वीडियोस जो हैं वो क्लियर करता हूँ तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं मुजफ्फराबाद से मुजफ्फराबाद, पंद्रह हज़ार से पंद्रह हज़ार में ठीक है दोस्तों सबसे पहले जी ये मुजफ्फराबाद ने लगाया जी अठतीस छियासी उनतीस हमने इसका पहला और आखिरी फिगर लिया इनको आपस में मनफी किया तो जवाब आया छ इससे एक ज़्यादा और एक कम किया उसके बाद जनाब हमने ये अठतीस का आंकड़ा लिया और इसके घर लिए तो ये भी अठत्तीस ही बन रहा था तो पाँच छः सात और तीन आठ ये हमारे पास आगे जनाब तो हमारा यहाँ पे क्रास में आंकड़ा लगा जनाब पैंतीस का ठीक गया दोस्तों ये देखें ये पैंतीस का आंकड़ा लगा फिर ये पैंतीस तिरानवे तिहत्तर ये तरतीब से चल रही है दोस्तों पहले और आखिरी फिगर को हमने माइनस किया ये देखें जी तीन माइनस तीन तो जवाब आया ज़ीरो ज़ीरो से कम किया एक ज़्यादा किया नौ सौ एक और पैंतीस अस्सी ये देखें पैंतीस और इसके घर ठीक है दोस्तों हमारे पास जो मैच हुआ इसमें वो ज़ीरो मैच हुआ या तो ये ज़ीरो बीच में आए वरना यहाँ से ये क्रॉस आंकड़ा लगाए ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे आंकड़ा लगा दोस्तों अट्ठानवे का ये देखें आप ठीक है जी उसके बाद दोस्तों आया जनाब अठानवे अठहत्तर इकसठ ठीक है जी अठानवे अठहत्तर इकसठ पहला और आखिरी फिगर नौ और एक माइनस किया तो जवाब आया आठ एक काम एक ज़्यादा किया उसके बाद जनाब अठानवे का आंकड़ा लिया और उसके घर लिए अब यहाँ पे जो मैच हुआ वो था आठ और नौ वरना क्रास में आंकड़ा बने सात बटा तरतालीस में ठीक है दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आंकड़ा पास हुआ जी वो लगा जी छियानवे ठीक है दोस्तों ये नौ जो है इसमें से हमारा ये ये मैच लगा ठीक है दोस्तों <coughs> उसके बाद आया जी छियानवे अट्ठासी बानवे पहले और आखिरी फिगर को माइनस किया जवाब आया सात एक आम एक ज़्यादा उसके बाद जनाब हमने छियानवे नीचे उतारा और उसके घर लिए उसके बाद जनाब जो मैच हुआ वो हुआ जी छः का तलक अकेला वरना क्रास आंकड़ा बनाए सात आठ बटा नौ एक चार में ठीक है दोस्तों यहाँ पे पास हुआ जी छियानवे उसके बाद जनाब रूटीन चली जाती है आगे छियानवे लगा जनाब छियानवे में दोस्तों ये देखें आप पहला फिगर था नौ आखिरी फिगर है ज़ीरो इनको आपस में माइनस किया जवाब आया नौ एक ज़्यादा एक कम और नीचे जनाब छियानवे और उसके घर ठीक है दोस्तों अब यहाँ पे जनाब मैच हुआ अकेला नौ और क्रा, वरना क्रास में बने आठ जीरो छः एक चार में ठीक है दोस्तों नीचे आ, हमारा जो आंकड़ा लगा वो लगा दोस्तों अठारह का वो क्रास में आंकड़ा लग गया ठीक है जी अठारह चौरतालीस तिरासी एक और तीन आपस में माइनस किया जवाब आया दो दो से एक कम एक ज़्यादा एक दो तीन और अठारह का आंकड़ा नीचे उतारा उसके घर लिए दोस्तों अठारह तिरसठ अब जनाब यहाँ पे मैच हुआ एक और तीन ठीक है जी ये देखें आप ये एक और ये तीन ये एक तीन यहाँ भी था एक तीन वरना क्रास में लगे दो बटा छियासी में तो दोस्तों हमारा नीचे जो आंकड़ा लगा वो लगा अठत्तीस का तीन का ताल्लुक भी आ गया और क्रास में से आठ का फिगर भी आ गया ठीक हो गया दोस्तों अट्ठतीस अठानवे छियानवे ये देखें जी आखिरी और पहले फिगर को आप इसमें मन मनफी किया तो जवाब आया तीन तीन में से एक कम एक ज़्यादा और अट्ठतीस के घर भी यही है तो यहाँ पे ये कहता था कि तीन का तल्लक है वरना क्रास आंकड़ा दो बटा दो, दो, दो चौबीस बटा आठ में से उसके बाद दोस्तों ये देखें अब आया हुआ है उनतालीस बाईस निन्यानवे ठीक है दोस्तों नौ में से तीन माइनस किए जवाब आया छः छः से एक कम एक ज़्यादा पाँच छः सात एक तरफ़ है और उनतालीस के आंकड़े को हमने नीचे उतारा इनके घर लिए तो दोस्तों इसमें मैच अब कुछ भी नहीं है सीधी सीधी गेम है बहुत ही ज़बरदस्त गेम होने जा रही है ये देखें आप पाँच छः सात बटा तीन नौ आठ चार कन्फ्यूज़न ख़त्म ग्रास आंकड़ा यहाँ से बनना चाहिए ठीक है दोस्तों ये तो हो गई जनाब हमारी पहली रूटीन अब चलते हैं दोस्तों अपनी दूसरी रूटीन की तरफ उसको देखें आप ये देखें दोस्तों ये देखें जनाब ये साढ़े सात सौ के ड्राए हैं जी ये क्रास में जनाब पंद्रह हजार को दे रहे हैं ताल्लुक मैं आपको तरतीब से दिखाता जाता हूँ आप देखते जाइए ये देखें जी अस्सी पाँच लगा आखिरी फिगर सेंटर ले लेना है हमने सेंटर से जनाब चार फिगर आगे बढ़ा लेने हैं, पाँच छः सात आठ ठीक है दोस्तों यहाँ पे लगी अड़तालीस सात फिर उसके बाद आ गया जी बत्तीस छः छः का सेंटर लिया छः सात आठ नौ दोस्तों आगे लगी चौरानवे जीरो उसके बाद आया जी सैंतीस ज़ीरो सेंटर है ज़ीरो उसके बाद लिया जनाब हमने जीरो एक दो तीन आगे देखें दोस्तों ज़ीरो छः पाँच लगी ये पंद्रह हज़ार में क्रॉस जा रहा है अठत्तीस एक, एक लिया एक दो तीन चार आगे लगा जनाब बारह बीस ये दोनों ही पास हो गए यहाँ से उसके बाद उन्ंजा चार है जी चार सेंटर है चार पाँच छः सात ये तल्लक था यहाँ पे हमारा सात का तल्लक पास हो गया उसके बाद जनाब जीरो अठवंजा आठ को हमने बाहर लिया आठ नौ जीरो एक ये देखें दोस्तों अठारह का आंकड़ा ही यहाँ से लग गया फिर दोनों तल्लक़ पास हो गए फिर बासठ चार लगी जनाब पैंतालीस सतासठ सत हमारे पास तल्लक थे तो यहाँ से चार का तालक जो है वो पास हो गया <coughs> फिर लगी जी नौ छः जीरो जीरो सेंटर था ज़ीरो एक दो तीन और यहाँ पे हमारा तीन का ताल्लक पास हुआ फिर जी पंद्रह छः में से हमने तल्लक लेना था छः सात आठ नौ यहाँ पे दो छः ये देखें जी ये पास हो गया छः का ताल्लक उसके बाद ज़ीरो आठ दो दो तीन चार पाँच ये हमारे पास लिंक थे जी ये पचवंजा ही लाग गई जी यहाँ पर फिर आया जी सैंतीस चार चार से हमने एक दो तीन चार आगे बढ़ा लिया चार पाँच छः सात ये देखें जी चुरंजा लग गई आंकड़ा लग गया यहाँ फिर छियानवे तीन लगी जी तीन का सेंटर पकड़ा तीन चार पाँच छः आगे लगी जनाब चौरासी जीरो आठ ये तलक चार यहाँ पे फिर पास हो गया दोस्तों उसके बाद दोस्तों आया जी सैतालीस नौ नौ से हमने एक एक फिगर बढ़ा लिया नौ ज़ीरो एक दो ये देखें जी दस पैठ यहाँ पर पूरा आंकड़ा ही लग गया फिर आ गया जी अट्ठाठ दो, दो से आगे बढ़ाया दो तीन चार पाँच ये देखें दोस्तों चार का तलक फिर लग गया दी एंड जी बात यहाँ पे ख़त्म करते हैं ये देखिएगा आप लोग ये देखें यहाँ पे आ जाते हैं जी पचानवे आठ इसी साल से आठ था सेंटर इसका आठ नौ जीरो एक ये देखें जी आगे हमारा लगा ज़ीरो एक पूरा आंकड़ा ही लगा उसके बाद जनाब पच्चीस तीन लगी तीन चार पाँच छः यहाँ पे हमारा पूरा पैंतालीस का आंकड़ा ही लग गया दोस्तों फिर लगी जी तीस आठ आठ नौ ज़ीरो एक ये देखें दोस्तों एक का लग यहाँ फिर पास हो गया अब लगी हुई है दोस्तों पचासी चार हमारे पास तल्लक है चार पाँच छः सात ठीक है दोस्तों चार पाँच छः सात अब मैं आप दोस्तों को एक चीज़ दिखा देता हूँ वो देख लें आप उसके बाद आगे चलते हैं जी ऊपर से दोस्तों हमारे पास क्या निकला है चार पाँच छः सात ये देखें पाँच भी पड़ा है छः भी पड़ा है चार भी पड़ा है सात भी पड़ा है इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ बनने वाला है सही है तीन नौ आठ ये फिगर आप अलग कर लें ये चार फिगर आप अलग कर लें सही है दोस्तों अब चलते हैं जी रूटीन नंबर तीन की तरफ उसके बाद मैं आपको इसकी शक्ल आंकड़ा भी दिखाता हूँ ठीक है दोस्तों ये देखें जनाब ये रूटीन ऊपर से आप चेक कर लेना काफ़ी पीछे से चल रही है ये ये देखें जी इकवंजा चुरंजा डबल ज़ीरो है हमने करना इसमें ये है कि इसका चौथा और पाँचवा फिगर हमने बाहर निकालना है सही है जी चौथा फिगर रखा जी उससे एक कम किया एक ज़्यादा किया इसके घर लिए उसके बाद जनाब पाँचवा फिगर लिया ज़ीरो इससे कम एक ज़्यादा और इसके घर तो यहाँ पे देखें दोस्तों ये आपस में क्रॉस आंकड़ा इसका बन गया यहाँ से आठ और यहाँ से पाँच यहाँ भी पाँच पड़ा हुआ था तो ये पूरा हमारा आंकड़ा पचासी का लग गया उसके बाद दोस्तों पचासी सैतालीस इकतालीस लगी सात और चार सात को हमने बाहर रखा दोस्तों एक कम एक ज़्यादा और उसके घर और उसके बाद चार बाहर रखा एक कम और एक ज़्यादा और उसके घर तो यहाँ से देखें दोस्तों यहाँ से एक उठाया इसने यहाँ से नौ उठाया उन्नीस का आंकड़ा लग गया उसके बाद दोस्तों उन्नीस अट्ठतीस तिरपन ये देखें जी आठ हमने बायर रखा एक काम एक ज़्यादा और उसके घर उसके बाद पाँच बायर रखा जी एक काम एक ज़्यादा और उसके घर ये देखें दोस्तों पैंतालीस का आंकड़ा लगा अगर चार पाँच यहाँ पे पड़ा हुआ था तो दोस्तों देखें चार इधर भी पड़ा हुआ था तो ये क्रास में आंकड़ा इसने बना दिया पूरा कर दिया ये देखें दोस्तों पैंतालीस अस्सी नब्बे सही है ये देखें जी ज़ीरो बायर निकाला एक काम एक ज़्यादा और उसके घर ये नौ बाइर निकाला एक काम और एक उससे ज़्यादा और उसके घर तो दोस्तों निन्यानवे का आंकड़ा क्रास में लगा चाहे जोड़ा लगा है लेकिन क्रास लगा है देख लें आप ठीक है दोस्तों उसके बाद आ जाए जी निन्नानवे अस्सी उनतीस ज़ीरो और दो जीरो हमने बायर रखा एक काम एक ज़्यादा उसके घर और दो बाइर रखा एक काम एक ज़्यादा और उसके घर ये देखें दोस्तों ये सिक्स नाइन लगा ना तो यहाँ से सिक्स उठाया यहाँ से नाइन उठाया बेशक सिक्स यहाँ भी पड़ा है लेकिन देख लें ये मैच भी कर गया फिर भी क्रॉस में तो आंकड़ा लगा है सही है ना दोस्तों एक चीज़ मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ आपके समझ में भी आ जाएगी ये देखें दोस्तों उनहत्तर चुरानवे उनासी लगा हुआ है ठीक है जी चार का फिगर हमने उठा के यहाँ पे रखा है एक काम एक ज़्यादा और उसके घर की है फिर सात उठाया एक ज़्यादा और एक कम और उसके घर ये देखें दोस्तों ये फिगर आप नोट कर लें ये क्रॉस में आंकड़ा बनाएगा दोस्तों क्रास में आंकड़ा बनाएगा ये देखें छः और सात इसमें पड़ा है चार और पाँच दोस्तों इसमें पड़ा है ठीक है ना ये आपस में क्रॉस बना सकता है मेरी बात जहन में रखें रूटीन नंबर दो आपके जहन में होनी चाहिए अब ये तीन आठ नौ इधर पड़ा है तीन आठ इधर भी पड़ा है इधर भी पड़ा है अगर ये बनाएगा तो इसके साथ बनाएगा ठीक है अगर ये बनाएगा तो इसके साथ बनाएगा ये मेरी बात आप समझ रहे हैं ना फॉलो करें मेरी बात को अब दोस्तों चलते हैं रूटीन अगली रूटीन की तरफ कि होना क्या चाहिए दोस्तों क्योंकि लंबी गेम हो जाती है यह 2001 में जनाब 200 के बाउंड में जब भी 6 का फर्स्ट हरफ लगा है ठीक है ये छियासठ पचपन लगी हमारे पास ये देखें एक छः का तल्लक निकला यह हरफ से एक या आंकड़ा लगे या आंकड़े में खुद आए या जनाब शक्ल आंकड़ा दे यानी जमा लगे या फर्क लगे ठीक है दोस्तों ये देखें जी छियासठ पचपन एक छः की शक्ल दो एक सात एक खुद आ गया दोस्तों ठीक है जी उसके बाद तिरसठ डब्बे है फिर एक छः की शकल है यहाँ पे एक खुद आ गया उसके बाद ये देखें छः आठ एक छः की शक्ल अब छः यहाँ फिर खुद आ गया अब यहाँ पे इसने कुछ थोड़ा सा चेंज किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे छः आया जी एक छः की शक्ल आई अब ये चार से तीन निकाल दे तो एक बकाया रह जाता है फ़र्क एक रख दिया इसने ठीक है दोस्तों उसके बाद फिर छियासठ आया फिर एक छः की शक्ल फिर इसने फर्क किया फ़र्क किया तो एक आ गया ठीक है जी एक छः की शक्ल पूरी हो गई उसके बाद फिर ये छः आया फिर एक छः की शक्ल है फिर दो छः जो है दोस्तों खुद आ गया अब ये देखें जनाब उनहत्तर लगा हुआ है एक छः की शक्ल है अब ये कहता है खुद आए या एक छ की शक्ल का आंकड़ा बना दे ठीक है दोस्तों यानी एक की जमा लग जाए या छः की जमा लग जाए या छः की फर्क लग जाए या एक का फर्क लग जाए ठीक है बहर एक चीज़ तो वाजह हो रही है कि एक छः की शक्ल नहीं बनेगी दोस्तों एक छः खुद आएगा ठीक है जी जो मेरी समझ में आ रही है कि एक छः जो है ये खुद आएगा दोस्तों इसमें से एक फिगर लाजमी आना है अब यहाँ पे हमारी जो सिलेक्शन है वो दोस्तों यहाँ तक तो हो गई है एक छः अब वहाँ पे हमारे पास निकल रहा था चार पाँच छ और सात अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास ये छः का अकेला फिगर है जो आंकड़े में आएगा इन ठीक है दोस्तों एक तो नहीं है ना वहाँ ये देखें ना मैं आपको ये रूटीन आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये देखें आप यहाँ पे दोस्तों ये देखें ये, ये छः का अकेला फिगर पड़ा हुआ है अब इसने नीचे से क्रास बनाना है दोस्तों ये आपस में क्रास नहीं बनाए ये नीचे से क्रास बनाए ठीक है मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं ना यानी हमारे पास आंकड़े आठ बनते हैं इस इस पोजीशन में ठीक है दोस्तों ये देखें आप तिरसठ छत्तीस उनहत्तर छियानवे छियासी और अठाठ चौसठ और छियालीस आठ आंकड़े बनते हैं ये ठीक है जी अब मज़ीद मैं आपको आगे ले चलता हूँ उसको आपने थोड़ा सा फॉलो करना है उस पर भी गौर करें आप ये रूटीन मैंने पिछली मरतबा भी आप दोस्तों के सामने रखी थी ठीक है दोस्तों याद होगा आपको वीडियो मौजूद है चेक कर सकते हैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा जी एकवंजा से ही शुरू कर रहा हूँ ठीक है जी पाँच उसका घर ले लिया पाँच में ऐसा फिगर जमा करो कि जमा छः बन जाए तो ये एक है एक के साथ भी हमने यही किया तो ये छः पाँच आ गया तो आंकड़ा आगे लग गया पचासी का ये पाँच का फिगर यहाँ कामयाब हो गया दोस्तों ठीक है जी उसके बाद जनाब ये पचासी लगा जी ठीक है जी ये पचासी आ गया पचासी से हमने वही किया जनाब तीन सात जीरो एक आगे जनाब उन्नीस का आंकड़ा फिर उन्नीस से हमने यही किया पैंसठ और छियालीस चार फिगर निकले दोस्तों पैंतालीस का पूरा आंकड़ा यहाँ से बन गया उसके बाद दोस्तों पैंतालीस से हमने ये फिगर निकले हमारे बानवे और जीरो एक तो हमारा यहाँ पे निन्यावे का आंकड़ा पास हो गया फिर निन्यावे रखा तो यहाँ पे दो ही फिगर निकल रहे थे चार और छः चार और छः ये उनहत्तर का आंकड़ा ही बन गया छः का फिगर यहाँ पे कामयाब हो गया अब दोस्तों सिक्स नाइन है ये कह रहा है कि वन नाइन फोर सिक्स के बगैर आंकड़ा नहीं बनाना गलती करोगे अगर बनाओगे सही है ना तो ये तो हमें ये सजेशन दे रहा है कि आप ऐसे करके आंकड़ा बनाओ दोस्तों अब आपको याद होगा कि मैंने आपके सामने जो ओपन रखे थे वो थे छः और वो ये ओपन थे दोस्तों ठीक है जीरो दो चार पाँच सात नौ हमारे पास जो क्लोज़ की शक्ल में बन रहे हैं दोस्तों वो है छः दो चार और मेरे पास जो लिंक बन रहे हैं वो दोस्तों है चार छः और पाँच ठीक है दोस्तों फर्स्ट का गुटका ग्यारह या दस मिडल गुट का दोस्तों दस या ग्यारह और बैक गुट का दोस्तों मैंने आपको रूटीन दी हुई है दस और बारह ठीक है जी फोर्थ फिगर में मैंने आपको लिंक दिया था जीरो पाँच आठ में ठीक है दोस्तों और सेंटर में जनाब हमारे पास सात नौ छः दो ये चार फिगर पड़े हुए हैं ठीक है दोस्तों बहरहाल मेरी चॉइस जो ओपन में है जी वो चार नौ और पाँच की है ये तीन फिगर मेरे चॉइस के अंदर हैं कि ये तीन फिगरों में हमारा काम बनेगा दोस्तों मैंने आज एक वीडियो देखी है किसी दोस्त की वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैं वो चीज़ आपके सामने रखूँ कि यार ये बंदे कर क्या रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रही ये क्या लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये कर क्या रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रही इन लोगों की बातें ये देखें जी एक और ताल्लक़ है वो भी दिखा देता हूँ आपको बहरल मेरी समझ में सिर्फ इसमें पाँच आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा ये देखें जी साढ़े सात सौ के बाउंड में सिक्स एट लगी हुई है उसके घर लिए तो नीचे क्रॉस में हमारा ये तल्लक यहाँ से चला है एक छः चार नौ फिर क्रॉस में जो है तल्लक चला है फिर तीन सात सैंतीस लगी थी जब बयासी क्रॉस में जना फिर तल्लक लगा पचानवे नौ पाँच ये क्रॉस में फिर ज़ीरो एक लगी थी याद होगा आपको फिर ये पच्चीस पच्चीस और सत्तर ठीक है दोस्तों हाँ जी ये दो पाँच सात जीरो इनमें से तल्लक लगना था तो नीचे जनाब हमारी फिर पैंतालीस लगी थी याद होगा आपको फिर जनाब ये तीस पचासी यानी तीस और उसके घर पचासी बना ना जी तो यहाँ से आपका जो है वो इक्यावन लगा था याद होगा आपको ठीक है जी फिर ये पचासी पढ़ा हुआ है जी अब और उसके घर ले लिए जी अब ये भी तल्लक बता रहा है तो यहाँ से अगर तल्ल चलता है तो दोस्तों मेरे तो जहन के मुताबिक सिर्फ ये पाँच का चल सकता है ठीक है जनाब अब ये देखें जी थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा तमाशा है ये अब मुझे समझ में नहीं आया ये उस बंदे ने क्यों ऐसा किया है मैं नाम नहीं लूँगा जी उसका ये रूटीन वो हमें पेश कर रहा है जी यूट्यूब के ऊपर ही क्या जी निन्यानवे दस इकवंजा लगी है इसका पाँचवा फिगर है जी पाँच का इसको बाहर ले लें ले, इसका घर कर लें तो क्रास में ये तीस सतवंजा ये देखें जी ये तलग तल वो शो कर रहा है कि ज़ीरो लग गया है उसके बाद ये चौहत्तर चालीस ज़ीरो एक ये दिखाई उस बंदे ने और ज़ीरो जनाब यहाँ पे फिर इसने ये दोनों बाहर निकाले और ये जी तल्लक उसने शो कर दिया कि ज़ीरो का तल्लक लग गया उसके बाद जनाब उस बंदे ने दिखाया जी सैतालीस तीन जीरो ज़ीरो एक और फिर ये तल्लक दिखा दिया ज़ीरो और पाँच का जी ये पैंतालीस लग गई जी उसके बाद जनाब ये अड़तालीस इकतीस बारह लगी जी एक को बाहर लिया इसका घर करके जनाब ये इकवंजा शो कर दी गई है उसके बाद जनाब ये उन्नीस अट्ठतीस इसका पाँचवा फिगर उठा के बाहर लाया ज़ीरो और पाँच ये कहता है जी ये यहाँ पे आना चाहिए जी पाँच का फिगर मुझे नहीं समझ में आ रही है कि वो आ, ये डबल तीन मेरे हिसाब से तो ये यहाँ पे डबल तीन है अब दोस्तों अगर ये डबल तीन है तो तब तो मैं ठीक हूँ अगर ये डबल ज़ीरो है तो फिर वो बंदा ठीक है सही है ना बहरहाल मेरी नज़र में तो जो भी है जी देख लें आप मैंने अपनी तरफ़ से ये फ़िक्र भी लिख दिया है ये आ, कुछ लोग एडलाइज़ करते हैं जी किसी को ठीक है ना तो मैं जो है शुक्रिया के साथ इस लाइन में जिन चैनल्स को एडलाइज़ करता हूँ देखता भी हूँ वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये बंदे मेरी नज़र में दोस्तों कोई फीस नहीं लेते ईमानदारी से काम कर रहे हैं अल्लाह ताला इनके काम में खैर बरकत डाले और मेरी दुआएं हैं आप भी इनके लिए भी दुआ कीजिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा देखें दोस्तों ये एक तो साहब हैं कर भला वाले कर भला ऑफिशियल चैनल है इनका उसके बाद है जी उस्ताद मुराद साहब तीसरे नंबर पे मैंने देखा है जी ताहिर बुखारी साहब हैं सैयद ताहिर बुखारी साहब अच्छा काम कर रहे हैं जी य और चौथे नंबर पे गेस्ट मास्टर मैंने ये चार बंदे देखे हैं जी कि लोगों को बेवकूफ़ ये लोग नहीं बना रहे हैं। जो जेन्यन चीज़ है वो सामने रख रहे हैं ठीक है जी और आप लोगों से कोई फ़ीस का मुतालबा भी इनका नहीं है बाक़ी और कोई हो तो जी आप मुझे बताइएगा इससे ज़्यादा का मैं इलम नहीं रखता हूँ इसके बारे में लेकिन इन चार बंदों को जो है ना जी मैंने देखा है अच्छा काम कर रहे हैं इन लोगों को आप बिल्कुल इनकी हौसला अफज़ाई करें जी हमारी भी हौसला अफजाई करें इन अच्छा रिज़ल्ट आप लोगों को मिलेगा ठीक है दोस्तों ये चीज़ मैंने मेरी नज़र में आई थी मैं इस बंदे का नाम नहीं लूँगा कौन है ये लेकिन मैंने ये हरकत कहीं और भी देखी है बहुत से चैनल्स के ऊपर ऐसी हरकतें मैं देख रहा हूँ वो कर रहे हैं अल्लाह ताला माफ़ करे और बचाए जी मैं नाम नहीं उनका लेना बिल्कुल भी ठीक है जी बहरल जी उन लोगों को यही है कि आप भाई अपने आप को दुरुस्त करें आवाम पागल नहीं है आप उनको पागल ना बनाएं ठीक है दोस्तों दोस्तों एक चीज़ यह भी आपकी नज़र कर रहा हूँ इसमें जी बैग तल्लक है बैग का ताल्लुक है ईज़ीली पहले मैंने आपको दिया था ज़ीरो पाँच आठ ठीक है दोस्तों उसको एक साइड पे कर दीजिएगा और इसको जनाब आपने एक साइड पे कर लेना है ये देखें जी दो हज़ार पंद्रह आखिरी पट्टी और आखिरी 200 का ड्रा है ठीक है दोस्तों हमारे पास दो तालक यहाँ से दे रहा है ये और वो कैसे दे रहा है ये देखें दोस्तों ये देखें जी चौ पाँचवा और छठा फिगर ये उठा लें आप पहली ड्रा पंद्रह हज़ार की ठीक है दोस्तों ये यहाँ पे तल्लक लगना था बैक आंकड़े में ये देखें तीन पास हो गया उसके बाद दोस्तों आया 2016 में आखिरी पट्टी 200 वाली उसका ब्रोकन लगा हुआ था अब ये जनाब तल्ल था ये देखें जनाब ये ज़ीरो पास हो गया उसके बाद दोस्तों आया 2017 दो में छः नौ तल्ल था यहाँ पे अट्ठतीस अट्ठानवे ये नौ है जनाब ये नौ तल्लक ये पास कर गया ये मुजफ्फराबाद ने लगाया हुआ है दोस्तों ये नहीं है कि मुजफ़राबाद इसको उठा नहीं सकता ये मुजफ्फराबाद ने उठा के मिसाल रखी हुई है उसके बाद दोस्तों ये चौरासी है चौरासी में ये देखें जी ये चार जो है ये पास हो गया जनाब उसके बाद ये पाँच का अकेला ही तलक था तो ये पाँच जो है सेंटर रख दिया है अब दोस्तों ये सात नौ है इस सात नौ की कहानी पहली वीडियो में मेरी मौजूद है कि ये फ्रंट भी तलक बना सकता है ठीक है ना दोस्तों ये दोस्तों सात और नौ बैक तलक है ठीक है जी अब इससे पहले जो बैक गुट का वीडियो में तीन तल्लक क्रास आंकड़ा बने बैक ठीक है दोस्तों वो ये फिगर है दोस्तों बैक इसमें से बनना चाहिए बैक आंकड़ा हमारा इसमें से बनना चाहिए हमारे पास जो गुटका है वो आप दोस्तों के इलम में है कि दस और बारह का है तो दोस्तों ईजीली यहाँ से आपका इन दो, दो या तीन या चार आंकड़े आपके बनेंगे बैक के ठीक है ना तो सेंटर मैंने आपको दिखाए हैं जी सेंटर मेरे पास कौन कौन से हैं वो आप देख लें ये देखें जी ये सेंटर है मेरे पास सात नौ छः दो यानी अगर ये सात नौ आता है ना जी तो ये सेंटर में आना चाहिए सही है बतौर सेंटर ठीक है दोस्तों तो अगर भाई मेरी किसी बात से किसी का दिल दुखा हो तो मैं माजरत खाऊँ लेकिन बारह लोगों को ख़ुद को भी दुरुस्त करना पड़ेगा आ, ये आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो अवाम बेवकूफ़ नहीं है ठीक है ना ये बेवकूफ़ बनाना बंद करो ओके जी बहुत बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया जी वीडियो देखने का दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें बहुत शुक्रिया जी थैंक यू अकमत ला वरकू